बैतूल के 23 आदिवासी परिवार ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आदिवासी परिवारों का आरोप है कि सरकार की तरफ से 21 साल पहले उन्हें हरियाली खुशहाली योजना के तहत जमीन दी गई थी, उन्होंने उस पर खेती की, पेड़ पौधे उगाए, लेकिन अब सरकार ने उनकी जमीन को वापस लेकर उद्योग विभाग को दे दिया है। बैतूल जिले के ग्राम कढ़ाई पहुंचते ही एक जंग लगे बोर्ड पर हरियाली और खुशहाली योजना लिखा नजर आता है। हरियाली तो ठीक है, लेकिन अब यहां के 23 परिवारों की जिंदगी से खुशहाली गायब हो चुकी है और प्रशासन के एक कदम की वजह से 23 आदिवासी परिवार इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। दरअसल बैतूल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम कढ़ाई के नजदीक 20 हेक्टेयर भूमि पर एक वुड क्लस्टर बनाया जा रहा है, जिसमें फर्नीचर उद्योग की कई छोटी बड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत 23 परिवारों को चुकानी पड़ी है। साल 2003 में हरियाली खुशहाली योजना के तहत इन परिवारों को 2-2 हेक्टेयर भूमि दी गई थी, लेकिन अब यही जमीन इनसे वापस छीन ली गई है। 2003 में हरियाली खुशहाली योजना के तहत प्रोजेक्ट दी गई, जिसमें पेड़ पौधे गवर्नमेंट ने लगा कर दिया और हम उस पर निर्भर है कि जैसे पेड़ पौधे को आज पाला पोसा, आज बड़ा किया, आज उन्हीं से पेड़ पौधे मतलब फल तोड़कर और बेचते और खाते भी हैं, परंतु आज हमें वुडन क्लस्टर को दी गई जमीन आज हमसे छीनी जा रही है। वुडन क्लस्टर को दिया वाला तो आज हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। आज जैसे डैम है, डैम में जैसे पानी भरा हुआ रहता है तो गाय जानवर है वो पानी पीने आते हैं और हम उससे खेती भी करते हैं, परंतु आज डैम को वही वुडन क्लस्टर वाले आज बंद कर रहे हैं। तो आज हमने वही सोचा कि आप क्यों बोले राष्ट्रपति को आज एक आवेदन लिख के हम इच्छा मृत्यु की मांग की जाए, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। साल 2003 में ग्राम पंचायत के एक प्रस्ताव के तहत 23 भूमिहीन आदिवासी परिवारों को जीवन यापन के लिए 2-2 हेक्टेयर भूमि दी गई थी, जिस पर उन्होंने हजारों फलदार पेड़ पौधे लगाए थे। 21 साल में ये पेड़ पौधे इनकी आय का मुख्य स्रोत बन चुके थे, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। प्रशासन ने वुडन क्लस्टर के लिए 23 परिवारों को दी गई जमीन वापस ले ली, लेकिन बदले में इन परिवारों को ना जमीन मिली, ना रोजगार और ना ही भविष्य की गारंटी। ये हो गए 23 साल हो गए। क्या करते थे इसमें? पेड़ पौधे लगाए और काश्तकारी करते हैं, जैसे मक्का बो देते हैं, कोई धान बो देता है, उसी में पेड़ पौधे है तो उसी फल से जैसे आंवला आंवला बेच देते, कुछ होता है तो कुछ आम है, करंजी है, सभी रंग के पेड़ पौधे और उसमें कटर के पेड़ है, इस पे हमारा पूरा परिवार निर्भर है। अभी जमीन चली जाएगी तो क्या करेंगे? इस जमीन चली जाएगी इसीलिए तो इच्छा मृत्यु की मांग किया है। कलेक्टर तो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई कागज नहीं है। अब कलेक्टर तो वो बोल ही रहा, लेकिन हमको तो सरकार ने दिया ना, हमारी मर्जी से तो लिया नहीं है। आवंटित पेड़ पौधे, इंजन दिया, ये कुआ खुदवाया, ये डैम भी उन्हीं ने बनवा के दिया है सरकार द्वारा, पंचायत द्वारा। आदिवासी परिवारों ने राष्ट्रपति के नाम लिखे एक पत्र में इच्छा मृत्यु की मांग की है। जमीनों पर अपना अधिकार बताने के लिए इनके पास केवल साल 2003 में हुई ग्राम सभा का प्रस्ताव है, जबकि प्रशासन इनसे और कागजात मांग रहा है। पीड़ित परिवारों के मुताबिक अगर ग्राम सभा के प्रस्ताव का कोई वजूद नहीं रहा तो फिर ग्राम सभा का मतलब ही क्या हुआ, और जब आज तक शासन रोजगार नहीं दे सका तो अब उनसे क्यों उम्मीद की जाए? सर मेरे को तो कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि रोजगार देंगे, क्योंकि ये झूठी सरकार है, हमेशा ऐसे दुगली बात करती है। मेरे को अभी तक के आप बैतूल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे होगे कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। वुडन क्लस्टर मिलने से तो आपको रोजगार मिलेगा यार। सर मेरे को नहीं लगता कि वुडन क्लस्टर, सर ये जमीन से व्यक्ति ज्यादा जरूरी है कि ये रोजगार से। जमीन में क्या सर, एक व्यक्ति करता है, चार लोग पलते हैं, जमीन छिन जाएगी तो क्या रोजगार का क्या करेंगे लोग? सर जमीन से तो जीवन यापन हो रहा है, हम खेती करते आ रहे, हमारे जो आजापुर का है उन खेती करते आ रहे, तो उनसे हम जीवन यापन कर रहे हैं। अब खेती नहीं रहेगी तो हम लोग आगे की पीढ़ी क्या देख पाएगी? इधर प्रशासन का अपना तर्क है। कलेक्टर के मुताबिक वुडन क्लस्टर बनने से बैतूल जिले का नाम देश दुनिया में चमकेगा, और जहाँ तक 23 आदिवासी परिवारों की बात है
तो उन्हें कुछ संगठन बरगला कर विरोध करवा रहे हैं। बरगलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर रोजगार की बात है तो प्रशासन का दावा है कि प्रभावित परिवारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। जो वुडन क्लस्टर के लिए बैतूल जिले में जमीन चिन्हित की वो ODOP प्रोजेक्ट के तहत की गई है। यहाँ पर आगामी समय में एक जो वुडन क्लस्टर स्थापित करने की जो कार्रवाई की जाएगी और यहाँ का जो सागौन है बैतूल का वो शायद तेलिया सागौन है और ये इसका एक अपने कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम इसको रजिस्टर्ड कराने की भी कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पे वुडन क्लस्टर स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम लोग और इसके लिए एक वुडन क्लस्टर की स्थापना के लिए हमने भूमि का भी चयन किया है। लगभग 20 हेक्टर की जमीन है और इस जमीन पे वर्तमान में कार्य भी चल रहा है। बात आती है ग्रामीणों की कि उन्होंने बताया कि उनको हरियाली खुशहाली में कोई पट्टे मिले थे, तो ऐसा कोई भी तथ्य राजस्व रिकॉर्ड या किसी भी जगह उपलब्ध नहीं है। प्रशासन के रुख से तो ये बात साफ हो जाती है कि सरकारी काम की राह में कोई पेच नहीं फंसने वाला है, यानी काम जारी रहेगा। हालांकि इस मामले में जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा एक तरफा सा लगता है। कम से कम ग्रामीणों के साथ सलाह मशवरा किया जाता तो 23 परिवारों को शायद इच्छा मृत्यु नहीं मांगनी पड़ती। दो हेक्टेयर की जमीन दी गई थी हरियाली खुशहाली योजना में, अब वो जमीन जिला प्रशासन ने उनसे छुड़ा ली है बगैर किसी उनको अपने फेवर में लिए। ये जमीन वुडन क्लस्टर के नाम से सौंप दी गई है। वुडन क्लस्टर